गुजरात में भूपेंद्र पटेल की ताजपोशी की इनसाइड स्टोरी क्या है? तालिबान समर्थक मानसिकता पर यूपी में घमासान क्यों? और श्रीराम के दरबार में हाजिरी लगाने क्यों पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता? इलेक्शन के बिसात पर जारी शहमात की सियासत से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चुनावी बिगुल। आज भूपेंद्र रजनीकांत पटेल के गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी हुई। उन्हें गांधीनगर के राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में गृह मंत्री अमित शाह समेत कई सूबों के सीएम मौजूद रहे। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर करारा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तालिबान समर्थक मानसिकता को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को याद रखना होगा। योगी ने कहा कि याद रखें, बिच्छू कहीं भी होगा तो डसेगा। सीएम योगी के तालिबान समर्थक मानसिकता वाले बयान पर यूपी की विपक्षी पार्टियां भड़क गईं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने उन पर चुनाव को सांप्रदायिक करने का आरोप लगाया, तो वहीं सपा नेता अनुराग भदौरिया ने कहा कि सीएम असल मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। कुशीनगर में योगी ने कहा कि पहले अब्बा जान कहने वाले गरीबों का राशन हजम कर जाते थे, चेलों में पटकर राशन नेपाल बांग्लादेश चला जाता था, अब हर परिवार तक मुफ्त राशन पहुंच रहा है। गरीबों का राशन निकलने वाले अब सलाखों के पीछे जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। सपा नेता उदयवीर सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री का काम सिर्फ झूठ बोलना है, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने दावा किया है कि यूपी में कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि सीएम के चेहरे पर भी वही फैसला करेंगे। कांग्रेस लगातार यूपी में मेहनत कर रही है। यूपी में आम आदमी पार्टी भी सियासी जमीन तलाशने में जुटी हुई है। यही वजह है कि आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अयोध्या पहुंचकर श्रीराम के दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम की कृपा से केजरीवाल दिल्ली का विकास कर रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पोते इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। भवानीपुर से बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल ने आज मेगा रैली की और नामांकन दाखिल किया। भवानीपुर उपचुनाव में सीएम ममता बनर्जी से उनकी सीट ही टक्कर है। इस सीट पर 30 सितंबर को मतदान होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।